हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी नॉटी। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट आपका इतना प्यार देने के लिए मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जिसमें मुझे भी डाउट रहता था कि कोई ऐसी पर्सनल एक्सरसाइज है चेस्ट फैट के लिए, कि फूड इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, या फिर डाइट इंपॉर्टेंट है, या फिर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ मिथ्स अबाउट वेट और फैट लॉस। सबसे पहला मिथ सबके दिमाग में आता है कि कम खाने से वेट लॉस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है, एक अच्छी डाइट से ही वेट लॉस होता है। मेन इज डाइट फॉर योर वेट लॉस। डाइट इन द सेंस लो कैलोरी फूड खाना है, कम नहीं खाना है, लो कैलोरी फूड खाना है और बहुत अच्छा खाना है। कम खाने से आप चक्कर खा के गिर जाओगे, जो मेरे साथ हो चुका था। और कम खाने से वीकनेस भी आती है और आपके पास स्ट्रेंथ भी नहीं रहती एक्सरसाइज करने की। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि कम खाना है और वेट लॉस होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये सब मिथ्स है। खाना अच्छा है, अच्छी डाइट लेनी है फॉर वेट लॉस। अब सेकेंड पॉइंट आता है सिर्फ एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता है। आप जिम जा रहे हैं, आप 1 से 1.5 हज़ार कैलोरी या ज्यादा से ज्यादा 500 से 1 हज़ार कैलोरी बर्न कर रहे हैं, फिर घर आके उससे डबल कैलोरी खा रहे हैं, तो वेट लॉस ऐसे नहीं होता। वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट पे अपन आते हैं स्पेशल एक्सरसाइज फॉर चेस्ट फैट और टमी फैट और साइड फैट। ये सब मिथ्स है कि चेस्ट फैट के लिए कोई पर्सनल एक्सरसाइज है, टमी फैट के लिए कोई पर्सनल एक्सरसाइज है और साइड फैट के लिए कोई पर्सनल एक्सरसाइज है। मैंने भी साइड फैट की वीडियो डाली थी, बिकॉज उसको अपन को ऐड करना है अपने रूटीन में, अपने वर्कआउट प्लान में, वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन कोई पर्सनल ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो साइड फैट है, टमी फैट है। और स्पेशली चेस्ट फैट के लिए मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि भाई चेस्ट फैट के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ। जो अपने बॉडी का फैट है वो सारी जगह से जाता है, ग्रेजुअली नहीं जाता, धीरे 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 जाता है। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, एक अच्छी डाइट बनानी पड़ेगी, अच्छा वर्कआउट प्लान बनाना पड़ेगा फॉर वेट और फैट लॉस। ये सब मिथ्स है कि इंक्लाइन बेंच प्रेस मारो, डिक्लाइन बेंच प्रेस मारो चेस्ट फैट के लिए, आपका चेस्ट फैट लॉस हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल गलत है, इन सब के फंडे मत पड़ो। एक अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट लो और अच्छे से करो। अब फोर्थ पॉइंट आता है कार्डियो इज इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। कार्डियो इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, क्योंकि कार्डियो से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। बट वेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेट एंड फैट लॉस। वेट ट्रेनिंग से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट होती है, मसल इंप्रूव होता है। एंड कार्डियो से ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कार्डियो से बहुत लोगों की चर्बी लटक जाती है। बहुत सारे डीएम्स आए थे उसके लिए भी भाई, कि चर्बी क्यों लटक जाती है भाई, चर्बी कैसे कम करें जो लटकी हुई है। भाई उसका एक मेन सॉल्यूशन है हाई प्रोटीन इंटेक, और जिसकी चर्बी लटक जाती है वो सिर्फ कार्डियो करते हैं। मेरे हिसाब से ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब अपन आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, स्किपिंग मील्स। लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, दिन का खाना खा रहे थे, डायरेक्ट रात का खाना खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो डाइट है आप उसको 6 to 8 meals में डिवाइड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप हर एक मील में एक एक प्रोटीन की कोई चीज खाइए। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, रोटी चिकन खा रहे हैं, तो एक वो सोर्स हो गया। उसके साथ अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो 1-2 अंडे आप खा सकते हैं, ओनली एग वाइट। अब आते हैं 6th पॉइंट में, ईटिंग एट नाइट मेक्स यू गेन वेट। ये तो सबसे कुछ भी है, ईट करना है लेकिन अच्छा खाना है। अच्छा इन द सेंस जैसे नाइट में आप खा सकते हैं वाइट एग्स खा सकते हैं, उसके साथ बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं, लेकिन 7 बजे के पहले खाना है। और उसके बाद फ्रूट्स खा सकते हैं आप रात में, सलाद खा सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। लेकिन रात में खाने से वेट गेन होता है, ये सब मिथ्स है। आप अगर गंदा खाएंगे तो वेट आपका गेन होगा, और आप पड़े रहेंगे तो आपका वेट गेन होगा। लास्ट पॉइंट आता है इंक्रीज हाइट ड्यूरिंग वेट लॉस। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, भाई तेरी हाइट इंक्रीज हुई है क्या, मेरे दोस्त भी बोल रहे थे भाई अब तू लंबा दिख रहा है। हाइट वेट लॉस से कभी इंक्रीज नहीं होती, वो 21 तक ही हाइट बढ़ती है। और मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ये हार्मोन्स और जेनेटिकली रहता है हाइट कनेक्टेड, जो जेनेटिकली और हार्मोन पे डिपेंड रहती है। ये कोई नहीं कि आपका वेट लॉस हो गया तो आप लंबे दिखते हैं। पहले अपन चौड़े रहते थे तो इसलिए अपन थोड़े हाइट से छोटे दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट आपकी बढ़ जाएगी। और एंड में यही कहना चाहूंगा गाइस कि मिथ्स बहुत सारे हैं, मुझे जो लगे वो मैंने इधर आपको शो कर दिए, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना नॉलेज गेन कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड में यही बोलना चाहूंगा थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन फॉर एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल
एंड हिट द बेल आइकॉन। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो रहेगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, और आप लोगों के जो डीएम्स आ रहे थे कि भाई कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, उन सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज कनेक्टेड टू सूरी नॉटी चैनल, और थैंक्स अ लॉट गाइस। और डिस्क्रिप्शन में मेरी सूरी नॉटी नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। और सॉरी ड्यू टू सम पर्सनल रीजन एंड स्टडी आई एम अनेबल टू रिप्लाई योर डीएम्स, बट मैं सबका धीरे धीरे डीएम का आंसर दूंगा। और लास्ट में थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।